लेफ्ट का पूरे इस स्थान स्थान जो लीड करता है वो चीज़ जो एनर्जी, क्योंकि मैम सर में बहुत एनर्जी थी तो वो एकदम दिख रही थी उन लोगों में ये चीज़। फिर उसके बाद दूसरे मतलब पहले तो कोच के क्या क्या रूल्स होते हैं, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अदर गांव में अगर जाकर अगर वो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को तो उसमें थोड़ी सी वो होनी चाहिए एकदम एनर्जी फुल कि हाँ दूसरा भी देखे तो उसे इंप्रेस हो, क्योंकि हम अगर जाएंगे तो एक हम रोल मॉडल होंगे उनके लिए। और फिर हम दो ग्रुप को खोलेंगे, दो ग्रुप में से दो कोई आगे और सबको गेम समझाई कैसे कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम आगे जो हमारे सामने खड़े हैं हम उनको बोल सकें, हम उनकी बात भी सुने, जिससे हम टू वे कम्युनिकेशन का हम सहारा लेकर के हम अपने प्रतिभागियों को और जो हमारे कोचेस हैं हम उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकें। साथ ही साथ हमें उन्होंने ड्राइंग करके भी चीज़ें बताई जो हमारा एक कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने हमें डेमोज़ दिए जिसमें हमें पता लगा कि हम अगर हमें जो चीज़ नहीं आती तो वो उन्होंने हमें करके दिखाई गेम्स को भी, ताकि हम लोग उसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। आपने एक बारी दिखा दिया, एक बारी समझा दिया। अब ऐसे होते हैं 20 लोगों में एक दो नहीं समझ में आए, गेम कुछ चालू करो, जब गेम एक बार खेलेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फेज़ वन में मैंने जो खेला था उससे भी बढ़ के मैंने फेज़ टू में खेला है पाया है। यहाँ पे मैंने 3 दिन में ये सीखा है, सबसे ज़्यादा तो पहले ये सीखा कि मैंने कि कोच या फिर अपने फ्रेंड लोग के साथ या साथियों के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं कि और ये कोच की क्या रोल है, क्या वो कैसे किसी टीम को खिला सकता है या फिर बच्चों के साथ इंजॉय करना। मेन सबसे अच्छा ये लगा कि मैं अपने गाँव के अलावा बहुत से अदर गाँव के बच्चों के साथ और मेन खासकर लड़कों के साथ खेली हूँ मैं,